36th इंटरनेशनल सूरजकुंड क्राफ्ट्स मेला जो कि फरीदाबाद हरियाणा में लगता है। तो इस बार की जो मेले की थीम है वो है हमारे जो नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स हैं जैसे कि असम, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो जो थीम रखी गई है इस बार की वो हमारे नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स रखी गई है। तो चलिए आपको लेके चलता हूँ जरा 36th इंटरनेशनल सूरजकुंड क्राफ्ट्स मेला। मुझे अभी दिखे यहाँ पे ये कोई अफ्रीकी कंट्री है, वहाँ से लोग आए हुए हैं और अपना वहाँ का लोकल जो डांस है वो दिखा रहे हैं। तो फटाफट से मैं दिखाता हूँ। ये आपके सामने रिपब्लिक ऑफ घाना के कलाकार थे, अपने देश की बड़ी सुंदर संस्कृति का रंग प्रस्तुत किया और आपको झुककर आज आभार भी, अभिनंदन भी और धन्यवाद भी इंडिया के लिए, सूरजकुंड मेले के लिए इनकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो अब हम आ चुके हैं अपने हरियाणा में, ये देख सकते हो अपना हरियाणा, ये पूरा हरियाणा की थीम पे बना हुआ है। टिपिकल घर बना रखा है इन्होंने, तो आप देख सकते हैं हरियाणा के घर कैसे होते थे पहले, उसी का सैंपल यहाँ पे। ये दही बिलोरी है, ये बच्चा यहाँ बैठा हुआ है, और यहाँ पे चक्की और ये बर्तन
तो अब हम आ चुके हैं श्रीलंका के स्टॉल में। सो हेयर इज द स्टॉल फ्रॉम श्रीलंका। ओ कैसे हो सर? ये वही सर हैं जिनसे अभी थोड़ी देर पहले हम लोग मिले थे बाहर, तो इन्होंने हमें बोला था कि हमारे स्टॉल पे आना। सो दिस इज योर स्टॉल हेयर इन, ओके दिस एंड दिस साइड, ओके। सो दिस इज द नॉर्थ ईस्ट पवेलियन, चलते हैं इसके अंदर देखते हैं। कुल्फी खिलाई जा रही है, कुल्फी खिलाई जा रही है। वाह क्या सीन है। हाँ जी, रिशा तो ये शॉल जैसा होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये है वो सूरजकुंड जिसके नाम पे इस पूरे एरिया का नाम सूरजकुंड पड़ा है। ये है वो एक्चुअल में वो जो तालाब है, जो बावली है, जिसका नाम सूरजकुंड है। गोनहाना का मशहूर देशी घी का जलेबा, जलेबी नहीं जलेबा। देखो जरा 100 रुपये का पीस, जलेबी नहीं जलेबा ये हैं। फ्रूट आइसक्रीम, तो अब आपको खा के बताते हैं जरा कैसी है ये। ठीक है, स्वाद तो अच्छा है मिला। ये देख सकते हैं आप, ये यहाँ पे ये हमारे असम के स्टॉल लगे हुए सारे, ये सारे असम के स्टॉल लगे हैं। ये हमारे असम से ये भाई लोग आए हैं और असम के आगे है ये हमारा मणिपुर।
आप, मैं बस।